पूर्वांचल में क्या लग रहा है, इस बार कौन जीतेगा? लोकसभा का चुनाव 1 जून को मिर्जापुर में होने वाला है। लोकसभा रमेश बिंद जीत रहे हैं और क्या कहते हैं, पूर्वांचल में 27 सीटें हैं, जिस 27 में 27 सीटें अखिलेश यादव पीडीए सरकार बना रही है। और क्या कहते हैं कि जो बेरोजगार हैं, जो क्या कहते हैं कि आर्थिक स्थिति कमजोर हैं और क्या कहते हैं कि गरीब दलित हैं, जो क्या कहते हैं कि आर्थिक स्थिति कमजोर हैं, वो लोग को उनकी सरकार आ रही है। और ये चुनाव अखिलेश यादव नहीं लड़ रहे हैं, ये जनता खुद लड़ रही है सरकार। और अखिलेश यादव को जानते हैं कि कितना काम करवाए हैं और कितना ये क्या कहते हैं कि रोजगार दिलाए हैं, ये जनता जानती है। और जनता खुद अखिलेश यादव सरकार, पीडीए की सरकार, राहुल गांधी की सरकार बना रही है। अभी तक 5 चरण के चुनाव हो चुके हैं जिसमें बहुमत मिल गया, छठे चरण में 400 पार होगा, क्योंकि भाजपा काम की है, काम के बदौलत अपना वोट मांग रही है। विपक्ष के पास कोई मुद्दा ही नहीं है, वो तो सिर्फ पीडीए और संविधान झूठ बोल रहे हैं कि संविधान बदला जाएगा और पीडीए पे वोट मांग रहे हैं। और पीडीए के लिए किया क्या है उन्होंने, 10 सालों तक थे, क्या किया उन्होंने बता दीजिए, कहीं एक काम बता दें कि अपने पिछड़े और दलित और पिछड़ों के लिए, ओबीसी के लिए कुछ उन्होंने किया हो। विशेष प्रधानमंत्री जी ने आवास दिया, सभी वर्गों को दिया, चाहे वो मुस्लिम हो, हिंदू हो, कोई भी बिरादरी का हो, सबको उन्होंने आवाज़ दिया। 114 सीटों का चुनाव है, 2019 में 65 सीटें ये लोग बीजेपी जीती थी, इस बार 65 सीटें हम लोग जीतेंगे। और पूर्वांचल सबसे ज़्यादा मजबूत हम लोग रहेंगे, मंडल की 3 सीटें हम लोग जीत रहे हैं, समाजवादी पार्टी गठबंधन। और लोगों के उत्साह भी है बदलाव का, और लोग बदलाव भी चाहते हैं। पूर्वांचल में तो सबसे पहले मतदाताओं को ये दिख रहा है कितनी बेरोजगारियाँ हैं, कितनी महंगाइयाँ हैं, और जो इनके सांड योगी जी के हैं, ये बहुत ही लोगों को, किसानों को बहुत परेशान कर चुके हैं। और 5 किलो राशन और इनके सांड, यही दिख रहे हैं और कुछ दिख नहीं रहा है। पूर्वांचल में जिस हिसाब से यूपी में और दूसरे जगह इलेक्शन हुई है, लोगों का रुझान अब थोड़ा बदल रहा है। अब लोगों का जो विश्वास था एनडीए के ऊपर, अब धीरे धीरे कम हो रहा है। जिस हिसाब से महंगाई बढ़ रही है, पेट्रोल महंगा हो गया है, डीजल महंगा हो गया है, तो पूर्वांचल के लोगों का भी अब बदलाव की तरफ थोड़ा मूड जा रहा है। तो इस तरह लगता है कि इंडिया गठबंधन जो है मेरे हिसाब से थोड़ा आगे चल रही है उसमें, तो उनकी जो पिछली बार थे सीटें ज़्यादा आनी चाहिए इस बार यूपी में जो है, और पूर्वांचल में भी लग रहा है कि इंडिया गठबंधन की सीटें ज़्यादा आई। पूर्वांचल में हिसाब से ये लग रहा है, जिस हिसाब से वोटिंग की है, इतनी धूप, इतनी तेज धूप प्यास में इतनी अच्छी वोटिंग पब्लिक ने की है, तो उससे लिहाज ये लग रहा है कि कुछ न कुछ परिवर्तन होने वाला है। 2 साल से लगातार जो जीत हो रही है बीजेपी की, वो भी अच्छी हो रही, उनको भी वोट अच्छा पड़ रहा है। यहाँ तक कि ये आइडिया लग रहा है कि बहुत ही अच्छा इसका रिजल्ट निकलेगा। रमेश बिंद भी बीजेपी के सांसद हैं, ये आप भी जानते हैं, उनको लड़ने का जो है पूरा जो है मालूम है, जानकारी है, तो कहीं ना कहीं टक्कर भी तो है। अब ये देखिए पब्लिक के मूड के ऊपर है, पब्लिक जिस ओर घूम जाए उसका जो है पलड़ा भारी हो जाए। तो आप, आपका क्या विचार है, कौन इसके सर पे ताज होगा इस बार मिर्जापुर लोकसभा चुनाव का? जो है कांटे की टक्कर है, अब किसी को भी कह नहीं सकते। पूर्वांचल नहीं, पूरे देश में भाजपा आ रही है। अब की बार 400 पार का जो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का नारा है वो सत्य होने जा रहा है, और विपक्षी अपने ढंग से लोगों को गुमराह कर रहे हैं, जनता गुमराह होने वाली नहीं है। मैं यहाँ जो काम किए हैं हरीश द्विवेदी जी, जनता के लिए, लोगों के लिए, जो सड़क बनी है, जो व्यवस्था किए हैं, उस नाम पर हरीश द्विवेदी जी जीत रहे हैं चुनाव। और रहा जो गुमराह कर रहे हैं विपक्ष के लोग, अभी प्रधानमंत्री बहुत से बने, ऐसा कोई प्रधानमंत्री नहीं बना जो गरीबों के लिए काम करे। वो पहला ऐसे प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री हैं जो गरीबों के लिए काम करते हैं, पिछड़े के लिए काम करते हैं। अभी आप देख लीजिए आवास जैसे हुआ, आज तक बहुत सी सरकारें आईं, किसी ने ये नहीं सोचा गरीब को आवास मिल जाए, या घड़े हो पिछड़े के, सबकी बात हम लेके चलते हैं, ऐसा नहीं है कि किसी एक का लेके बात चलते हैं, सबका साथ सबका विश्वास। पूर्वांचल में लोकसभा के चुनाव 2 चरण है, 25 तारीख को है, 1 जून को है। पूर्वांचल में जो इंडिया गठबंधन और एनडीए है उसमें टक्कर है, उस पूर्वांचल के रुझान से वहाँ की जनता की
रुझान से इंडिया गठबंधन को ज़्यादा बहुमत मिल रहा है, इंडिया गठबंधन को ज़्यादा पसंद कर रहे हैं, क्योंकि उसका कारण है कि सरकार की जो वायदे बातें थी वो पब्लिक में उनका लाभ सीधे नहीं मिला। जैसे उधार तो नौकरी नहीं मिली, बेरोजगारी है, महंगाई ज़्यादा हो गई। नौकरी में जितना आदमी रिटायर होता है, मैं बहुत बड़ी बात कह रहा हूँ, जो रिटायर होता है पहले उतने पद भर जाते थे, इस सरकार ने रिटायरमेंट के बाद किसी विभाग में उतने पद नहीं भरे जितने रिटायर हुए। देखिए, हर जगह लड़ाई कांटे की है और कोई भी चुनाव की जो परिस्थितियाँ बनी हुई है, जाति धर्म में बटे हुए लोग हैं, जो सच्चाई है, और जाति धर्म से अलग हट करके मुद्दों पर चुनाव नहीं लड़े जा रहे हैं। यहाँ का चुनाव मुद्दों पर नहीं है, जातियों पर है, और जिसकी जाति भारी पड़ जाएगी वो चुनाव जीत जाएगा। न तो विकास का मुद्दा है, न जाति का। शिक्षा के सवाल पर, स्वास्थ्य के सवाल पर सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों मौन है। चाहे पक्ष हो या विपक्ष हो, दोनों की स्थिति उसमें नहीं है। न विपक्ष इस पर बोला, 20 लाख विद्यार्थी छात्रवृत्ति नहीं पाए, फीस पर पूर्ति नहीं पाए, उस पर विपक्ष भी नहीं बोला और सत्ता पक्ष भी नहीं। यहाँ तो बीजेपी की है जहाँ तक कि हमको अनुमान है, बाकी अपना अपना ओपिनियन है। और सरकार से, बीजेपी सरकार से दो चीज़ें हमको कहना है, जो 5 किलो मुफ्त राशन दे रही इसको बंद करी, जो प्राइवेट स्कूल है जो अपनी मनमानी कर रहे हैं उस पर अंकुश लगाया जाए। चल में कौन जीते, भाजपा सरकार जीतेगी, क्यों? विकास कर रही है, अच्छा काम कर रही है, 10 साल का हो गया, अच्छा कारगर किया, इस बार भी हम लोग सपोर्ट कर रहे हैं, सरकार बनेगी इनकी। अंचल में कौन जीतेगा? पूर्वांचल में उत्तर प्रदेश में माननीय योगी जी और केंद्र में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के किए गए विकास के कार्य, जनता के जनहितकारी कार्य देखते हुए ऐसा लग रहा है पूर्वांचल की जनता पुनः एक बार भाजपा को जाने जा रही है। पूर्वांचल की सीट्स पे जो है वो अभी इधर जो पिछले हफ्ते जो एक घटनाक्रम हो रहे हैं जिसमें राजा भैया जो हैं वो समाजवादी पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं, उन्हीं ने अपने कार्यकर्ताओं से भी कहा है कि तुम जो हो बाद नहीं हो, चाहे तुम भारतीय जनता पार्टी को वोट दो और चाहे तुम समाजवादी को वोट दो। लेकिन कल परसों में ये सुनने में आ रहा है कि राजा भैया जो हैं वो खुलकर समर्थन कर रहे हैं समाजवादी पार्टी का, बल्कि इंडिया गठबंधन का, जिससे ये लग रहा है कि पूर्वांचल की जो सीट्स हैं घोसी की और जो है आपकी आजमगढ़ की, तो ये जो आसपास की जितनी सीट्स हैं कौशाम्बी की, प्रयागराज की, तो इससे ये लग रहा है कि जो है वो इंडिया गठबंधन जो है वो आपकी 15 से 20 सीट्स जो है जहाँ तक है निकाल दें। पूर्वांचल में हवा जो है श्री अखिलेश यादव की गठबंधन, और जौनपुर से जो है बाबू सिंह कुशवाहा जो है तकरीबन हमारा जहाँ तक आंकड़ा है 1.5 लाख वोट से प्लस जा रहा है। मछली शहर जो है ये तो 100% एकदम 150% वो भी जीत रहे हैं, मतलब समाजवादी पार्टी। रोजगार, और हम लोग जो है किसान भी हैं, बिजनेस भी ठप हो चुका है, अब किसान भी हैं, अब जाके जो है साढ़ है, तमाम चीज़ें जो सब बर्बाद है। इस बार इंडिया गठबंधन और इंडिया में कांटे की लड़ाई है, और जहाँ तक माहौल बन रहा है हो सकता है मौजूदा सरकार सत्ता से बाहर। पूर्वांचल में क्या लग रहा है इस बार जो है कौन जीतेगा? देखिए, इस बार जो है जिस तरीके से पांचवें चरण का जो मतदान हुआ है और जो हम लोग ने देखा है कि बहुत ही जोश और खरोश से पब्लिक ने, चाहे औरतों चाहे मर्द बच्चों, सबने मिलजुल के जो है बहुत अच्छे तरीके से वोटिंग करी है, मतदान बहुत अच्छा किया है जो हम लोग ने अभी पांचवे चरण में देखा है, और लोगों में उत्साह भी दिखा है। तो हो सकता है कि जो पूर्वांचल का चुनाव है इससे बेहतर भी हो सकता है और लोगों में और जोश खरोश पैदा हो सकता है, तो हमें उम्मीद है कि वहाँ का भी मतदान बहुत अच्छा जाना चाहिए और कुछ नई बदलाव की एक अंदेशा होना है, वो दिख रहा है, वो भी होना चाहिए। पूर्वांचल में इस बार क्या लग रहा है कि इस बार कौन जीतेगा? जिसका जलवा कायम उसका नाम मुलायम। ये मोदी नहीं मदारी है, इसको झूठ बोलने की बीमारी है, ये रस्सी को साफ बना देगा, लोकसभा को मंजन बना देगा। लोकसभा का चुनाव इस बार 1 जून को होने वाला है, 1 जून को होगा। साइकिल हमारे अखिलेश जी बहुत बढ़िया जीतेंगे,
अभी तक के जितने भी चरण संपन्न हुए हैं उनमें भी भाजपा को हर क्षेत्र से बढ़त मिलती है, दिख रही है। और अब एक दो जो चरण रह गए हैं, छठवां और सातवां चरण, इसमें भी चूँ पूर्वांचल पहले से भी भाजपा के लिए मजबूत रहा है और भी अधिक मजबूती के साथ विजयी होंगे। जाति धर्म का बंधन टूट रहा है और वोट इंडिया गठबंधन की तरफ जा रहा है। सीट 400 पार की बात करते थे, ये 140 सीट भी नहीं जीत रहे हैं। क्योंकि मोदी जी जो भी घोषणा पत्र अपना जारी किए थे वो पूरा नहीं किए। एक तरफ झूठ और एक तरफ सच, दो लोग की लड़ाई है। सच में लोग सच की तरफ जा रहे हैं और झूठ वाले झूठ के साथ हैं। बीजेपी जीत रही है। सांसद जी द्वारा कराए गए विकास कार्यों के दम पे सड़कों का जो जाल उन्होंने बस बिछाया है, मेडिकल कॉलेज है, पुस्तकालय है, सब भाजपा के राज में हुआ है। इसी अपने कार्य के बल पे सांसद जी यहाँ से चुनाव जीत रहे हैं। और 543 वोट से बनेगी, क्योंकि भाजपा ने 10 साल में पूरी जनता को पस्त कर दिया है। जो रोटी खाते थे वो रोटी भी छीन लिया है, रोटी कपड़ा मकान तीनों गायब हो गया है। ऐसे में हम लोग गठबंधन चुने हैं, गठबंधन को ही जिताएंगे। उससे पूरी उम्मीद है कि 8,500 रुपये महीना हमारे गरीब महिलाओं को खटाखट भेजेंगे, उससे दाल रोटी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। हमारे मोदी साहब बहुत सही है, हमारे बुढ़ापे में उनका साथ देंगे और वो बहुत सही है मोदी। हर साल हम लोग गल्ला लेते हैं, किसी को कोई कमी नहीं है, गरीबों का कोई कमी नहीं है। आने वाले समय पे मोदी ही जीतेंगे, उसके बाद ये सब 420 है। अंकल, यूपी में पूर्वांचल में दो चरण के चुनाव बाकी हैं, चुनाव होने वाला है, आपको क्या लग रहा है, कौन जीत दर्ज कर रहा है, इस पर आपकी क्या राय है? देखो, विकास कार्य तो जो है बीजेपी ने बहुत किए और बीजेपी करती भी रहेगी और बीजेपी देश के लिए चुनाव लड़ रही है और पार्टियां देश के लिए चुनाव नहीं लड़ रही, और पार्टियां अपना अपना जो है घर बनने के लिए चुनाव लड़ रही हैं। दूसरी जो है बीजेपी को अच्छा परफॉर्मेंस मिलेगा। हमारे मुख्यमंत्री योगी नाथ जी बनेंगे, अनुप्रिया पटेल तो जीत ही रही है। विपक्षी पार्टियों का जो है गठबंधन जो चल रहा है वो जो है मिलीजुली सरकार का खेल जो है चलेगा नहीं। पूर्वांचल में इस बार क्या लग रहा है कि कौन जीतेगा लोकसभा का चुनाव, इस बार 1 जून को होने वाला है? देखिए, इस बार सरकार चेंज होना चाहिए और चेंज का मतलब है कि दूसरी पार्टियां नहीं आनी चाहिए। अब इसमें माहौल लगभग भाई देखिए, आप खुद देख रहे हैं किसका माहौल चल रहा है। जनता की भलाई के हित के मुद्दे को लेकर के आगे बढ़ेगी, उसी को जीत मिलेगी। और सब जैसे कहा जाता है कि सबका साथ लेके सबका विश्वास लेके चलना चाहिए, तो वैसा अगर जो भी वहाँ पे पूर्वांचल में जो भी ऐसा कार्य कर रहे हैं तो साथ में लेके चलेगी जनता को, उसी को अधिक से अधिक मत मिलेगी। पूर्वांचल में 27 से 27 समाजवादी पार्टी की सीट जीतने जा रही है और पूरे यूपी में 80 सीट में 75 सीट समाजवादी जीतने जा रही है। इस बार इंडियन गठबंधन की सरकार, PDA की सरकार, समाजवादी पार्टी का गठबंधन जो सरकार बनने जा रही है, इसमें जो है PDA की सरकार सेंटर गवर्नमेंट बनाने जा रही है। गरीब मजदूर किसान बेरोजगार सब परेशान हो चुके हैं। हम लोग, हमारी मिर्जापुर की धरती रमेश बिंद, हमारे प्रत्याशी जो रमेश बिंद जी हैं, वो हम लोग 1 लाख से ज़्यादा से ज़्यादा 1 लाख वोटों से जीतने जा रहे हैं। पूरे पूर्वांचल में तो मैं नहीं बता सकता, लेकिन मिर्जापुर में अनुप्रिया पटेल चुनाव जीत रही हैं और काफ़ी अच्छे मार्जिन से जीत रही हैं। बहुत काम किए हैं, बड़े बड़े काम किए हैं, इसलिए जो है जनता हमेशा काम करने वाले सांसद को चुनना चाहिए।